सहरसा के डबवाली रोड पर बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अवैध कब्जे हटाए। इस कार्रवाई के विरोध में झुग्गियों के लोगों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। सिरसा प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के लिए डबवाली रोड पर कार्रवाई की। गुस्से में आए लोगों ने अपना सामान सड़कों पर फेंक कर आग के हवाले कर दिया। झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन से कहीं और जगह देने की मांग की है। मेरे को यहाँ से रहने से बहुत दिन हो गया है। छोटा छोटा बालक था मेरे पास, तब से रह रहा हूँ। मेरे को कोई साधन नहीं है, बस मेरे को जमीन दिला दो, कहीं दो, चाहे कहीं पर मेरे को जमीन दिला दो। मेरे को कि बारिश आएगा, छोटे छोटे बच्चे है, बीमार पड़ जाएगा बारिश के वजह से। कहाँ जाऊँ, मेरा कोई साधन नहीं। बिहार जाता हूँ, बिहार में पानी आता, सब कुछ दह जाता है। नहीं राशन कार्ड है, नहीं आधार कार्ड है, नहीं कुछ है मेरे पास। इस मामले पर तहसीलदार संजय कुमार का कहना है कि क्रोध में आए लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया। फिलहाल माहौल शांत है। कि वन विभाग की जिन जमीनों पे नजायज कब्जे थे उनके हटाने की कार्रवाई थी, और पीछे भी शहर के अंदर पिछले 3-4 दिनों से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर को साफ रखने के लिए जो नजायज़ कब्जे हैं उनके हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है, उसी का ये भाग था। ये वन विभाग की जगह थी, खाली करवानी थी, यहाँ पेड़ पौधे लगने हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन लोगों की मांग कब तक सुनेगा और कब इन बेघर लोगों को रहने की जगह मिलेगी। फोकस हरियाणा के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।